दोस्तों आप लोगों ने तो बहुत सारे प्रैंक देखे होंगे, आए दिन एक से बढ़कर एक प्रैंक देखते ही रहते हैं। लेकिन गुरु, क्या आप किसी क्रिकेटर पर किए गए सबसे बड़े प्रैंक के बारे में जानते हैं? नहीं। तो आइए आपको हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ये प्रैंक राहुल द्रविड़ के ऊपर किया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की इजाजत हो तो वीडियो को शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दोस्तों, 2000 के दशक में MTV का प्रैंक शो बकरा बहुत लोकप्रिय था। शो के मेजबान साइरस ने राहुल द्रविड़ पर एक प्रैंक की योजना बनाई थी। दृश्य यह था कि सिंगापुर की एक महिला पत्रकार राहुल के सिंगापुरी प्रशंसकों के लिए उनकी इंटरव्यू करेंगी। दोस्तों, महिला पत्रकार और राहुल द्रविड़ एक कमरे में बैठे थे जिसमें एक छिपा हुआ कैमरा था। इंटरव्यू पूरा करने के बाद लड़की ने राहुल से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे, फिर लड़की राहुल से कहती है कि वह उसे पसंद करती है। इंटरव्यू में उसने राहुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा। अचानक लड़की का पिता कमरे में प्रवेश करता है और राहुल के सामने अपनी बेटी से शादी करने की विनती करता है। राहुल ने दोनों को बैठने के लिए कहा। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ ने उस लड़की से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। लड़की ने कहा 20 साल। फिर राहुल ने कहा कि हाँ, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने लड़की के पिता को कहा, इन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और शादी के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लड़की का पिता फिर से राहुल को समझाने की कोशिश करता है और फिर राहुल परेशान हो जाते हैं और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। फिर साइरस और अन्य चालक दल के सदस्यों ने कमरे में प्रवेश किया और खुलासा किया कि यह एक शरारत थी। दोस्तों, सभी लोगों ने पूरी कोशिश की लेकिन राहुल द्रविड़ ने लड़की से कहा कि वह पढ़ाई करे, राहुल एक जेंटलमैन व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अधिक वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।